दोस्तों वेलकम टू यथार्थ अकादमी। दोस्तों इस लेक्चर में हम करंट अफेयर जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसका चर्चा करेंगे और जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कुछ ट्रेडिशनल पुराने एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि BPSC में हेल्पफुल होगा आप लोगों को। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो कि कुछ ट्रेडिशनल मतलब पुराने क्वेश्चन है, पुराने एक आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा उस टाइप से भी किया हूँ कलेक्शन राइट। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है बट डोंट वरी हिंदी में सारा को मैं बताऊंगा जो कि आप लोग नोट डाउन करते चलें साथ साथ में, जो कि मुझे लग रहा है कि BPSC ही नहीं UPPCS एंड UPSC के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, जो कि आप लोग 10 बुक इधर उधर से कलेक्ट करोगे उसे बढ़िया है एक जगह कर दिया हूँ ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप लोग रिवीजन भी कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। नालंदा मॉडल को वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या मिला था? नेशनल अवार्ड मिला था। अगर याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हो अच्छा से, वाटर कंजर्वेशन के लिए मिला था ठीक है। अगला रेनफॉल को अगर बात करें, ये पुराना चीज़ है जानते हो आप लोग कि रेनफॉल नॉर्मल कब होता है, नॉर्मल रेनफॉल जो बोलते हैं कि बारिश हुआ है कि नॉर्मल कितना कब बोलेंगे कि नॉर्मल है, ये 10% या उससे ज़्यादा अगर बारिश हुई हो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए तो उसको बोलेंगे नॉर्मल ठीक है, और बिलो नॉर्मल कब होगा जब 10% से कम होगा, सीधा सीधा है। एबव नॉर्मल आप लोग जानते ही हो कि 10% से ज़्यादा हो, और डेफिशिएंट कब होता है, कौन सा ईयर बोल दिया था कि सूखा बरस घोषित किया जाए, कौन से ईयर को, जब 10% से कम बारिश हो यानी कि 20-40% एरिया क्या हो सूखा हो तो उसको क्या बोलेंगे डेफिशिएंट ईयर बोलेंगे, यानी कि सूखा वर्ष जो घोषित किया जाता है, तो इसी ये पैरामीटर है ठीक है ना। ये पेपर में कहीं आ जाए तो कहीं मे भी आप लोगों से छूटे ना, इसलिए मैं यहाँ पे जॉटेड डाउन कर लिया हूँ। और आप लोग ये हो गया, अब बात करते हैं नॉर्थ कोयल रिवर प्रोजेक्ट किसके बीच में है। देखो बिहार का क्वेश्चन है, मैं भी पूछ सकता है, बिहार और झारखंड के बीच ये सोन नदी पे है नॉर्थ कोयल रिवर प्रोजेक्ट ठीक है। आगे है NAPCC, आप लोग ये जानते होंगे, आगे मैं हर बॉडी का भी डिस्कस करूँगा कौन बॉडी कब इस्टेब्लिश हुआ और क्या है। यहाँ पे NAPCC जो कि एक ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उसमें कही बात, NAPCC कब स्टार्ट किया गया 2008 में, मैं बताऊँगा लेटर ऑन, बट अभी आप लोग देख लो ग्रीन इंडिया मिशन में कितना टारगेटेड है 10 साल में 5 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट क्रिएट करना ओके। आगे बढ़ते हैं नमामि गंगे कब स्टार्ट किया गया 2015 में, ये केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और पुराना और करंट सारा इसमें कवर किया गया। आगे है B4 मतलब क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल बोट, ये कहाँ पे है मजूली आइलैंड में ओके। अगला है ज्वाइंट टाइगर को काउंट करने के लिए ज्वाइंट वेंचर हुआ है किसके किसके साथ, मतलब वेंचर नहीं बोल सकते हैं इसको, ज्वाइंट टाइप हुआ है इंडिया और नेपाल के साथ। अगर पूछ दे कि हाँ ज्वाइंट टाइगर को काउंट करने के लिए किस किस देश के साथ समझौता हुआ है तो इंडिया और नेपाल। अच्छा इंस्पायर 2017 ये हुआ था जयपुर में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, ये रिलेटेड था उससे रिलेटेड था। अच्छा एक चीज़ और, पेरिस जो सबमिट हुई थी COP21 यानी COP21 ये पूछा भी था UPPCS में कि कहाँ हुई थी, तो पेरिस में हुआ था ना 2015 में, उसमें इंडिया का टारगेट क्या है 33-35% मतलब 2005 के बेस से लेकर 2030 तक क्या करना है ग्रीन हाउस गैस को कम करने का टारगेट है, 40% क्या है फोसिल्स यूज़ नहीं करना, मतलब फोसिल्स को घटाने के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं 40% तक उसको कम करना है। सिंक कार्बन का भी तीन टारगेट है याद रखना आप लोग, ग्रीन हाउस गैस 1, फोसिल्स 2 और कार्बन, माने कार्बन को सिंक करना है, जैसे मान लो धरती खोन के हम लोग है ना वहाँ पे दबा देते हैं उस तरह से, या फिर किसी समुद्र में, कितना टारगेट है 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन 2030 तक, सारा टारगेट कितना है अपना 2030 तक, क्या क्या है 33-35% क्या है ग्रीन हाउस गैस, ये 40% नो फेसल्स ठीक है,
सिंक कार्बन कितना, 2.5 से 3 बिलियन टन 2030 तक। ये अगर फैक्ट आ जाए तो आप लोगों से छूटेगा नहीं, इसलिए। अब इंस्पायर 2017 हो चुका है, एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। डे भी याद रखना, इट माइट बी आस्क इन द क्वेश्चन एग्जामिनेशन। तो एनर्जी गंगा ये भी हो गया, ये ओके। अब है एक ओरंग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, असम में। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, असम में, राइट। पूछेगा कि कहाँ, तो ये इसलिए है कि 49वां टाइगर रिजर्व है, इसलिए लेटेस्ट न्यूज में था। संगाई डियर, संगाई हिरन कहाँ पे, मणिपुर में। पूछ देगा कहाँ से, तो मणिपुर में। ये है ब्लैक बग कंजर्वेशन, ये कहाँ पे, अलाहाबाद में, फर्स्ट टाइम ये वहाँ पे खोला गया है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक किसके किसके बीच में है, दो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, मतलब दोनों में है ये। अच्छा, नेलापातू बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे, राइट। और आरानी प्लस यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, बट इतना याद रखना कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो पुलिकट लेक और नेलापातू बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी बॉर्डर पे ही है। अच्छा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ, ये दिल्ली से रिलेटेड है, जानते ही हो आप लोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कब स्टार्ट किया गया था, 2014 में, अंडर स्वच्छ भारत अभियान, ओके। इसमें कितने पॉल्यूटेंट्स को देखा जाता है, 8। ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, CPCB द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके द्वारा। अच्छा, 5 जून 2017 को इन्वायरमेंट डे मनाया गया, उसका थीम क्या था, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, ओके। अब 5 जून 2018 को जो मनाया गया था क्या, इन्वायरमेंट डे, उसमें क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। 5 जून 2018 का यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, अपना नोट्स मेंटेन कर लेना। 5 जून 2018 को बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थीम पूछ रहा है, BPSC पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, और पूछ भी सकता है, तो थीम याद रखना है आप लोगों को, कब मनाया जाता है वो याद रखना है। अच्छा, एक है डेजर्ट, डेजर्ट का भी 2017 जून को मनाया जाता है, तो उसमें था आर लैंड आर होम आर फ्यूचर, ये था 2017 वाला। 18 वाला आप लोग देख लेना एक बार कि उसका क्या है थीम, क्या डेजर्ट कमबैक, मतलब डेजर्ट डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए डेजर्टिफिकेशन डे भी मनाया जाता है, उससे रिलेटेड आप लोग देख के उसका थीम लिख जॉटेड डाउन कर लेना, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे, ये कब, 1 अगस्त को। अर्थ ओवरशूट डे कब, 1 अगस्त को। अच्छा, नेशनल ये है, अब आगे है फ्लोटिंग सोलर फार्म, ये कहाँ पे है, फ्लोटिंग सोलर फार्म खोला गया है कहाँ पे, चाइना में। अच्छा, साइक्लोन ओखी क्या है, साइक्लोन ओखी क्या है, बे ऑफ बंगाल में आया था, जो कि तमिलनाडु के तट पे ये आया था, साइक्लोन ओखी। अच्छा, ये है बॉम्ब, एक है बॉम्ब साइक्लोन, ये कहाँ पे आया था, US में। हार्वे कहाँ पे था, न्यूजीलैंड में, ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था हार्वे। ये लेटेस्ट है सारा कुछ, आप लोग देख लेना, कहीं पूछ सकता है, इसमें नहीं पूछेगा तो UP में पूछ सकता है, UPSC में पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को लिख कर रखना चाहिए। हार्वे क्या है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था कहाँ, न्यूजीलैंड में। वान आइसलैंड VAAN, ये है वान आइसलैंड गल्फ ऑफ मन्नार में, ये फर्स्ट बायोस्फीयर है वहाँ के, मतलब ऐसा कुछ खास था इसलिए करंट में था, राइट। आगे है बाली में हुआ था एक क्या, गार्बेज इमरजेंसी बाली में, गार्बेज इमरजेंसी, राइट। अगर पूछ देगी गार्बेज इमरजेंसी कहाँ, तो बाली में, यू नीड टू फोकस ऑन। अच्छा, पराली आइसलैंड कहाँ पे है, लक्षद्वीप में, पराली आइसलैंड पूछ दे कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में। WWF NGO, ये कब, 1961 में। ये डेट भी पूछता है, बहुत सारा फैक्ट
है, आप लोगों को एक बार लिख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे तो याद हो ही जाएगा। IRRI, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है कहाँ पे, मोदी जी द्वारा, कहाँ पे, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में। एक है बॉम्बे नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी, का स्थापना कब हुआ कि ये बहुत चर्चा में था, इसलिए 1883 ईस्वी में हुआ था। इंडिया होस्ट करेगा क्या, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड का जो होता है, कब करेगा, 2020 में। अच्छा, अमीनपुर लेक कहाँ पे है, ये भी लेटेस्ट न्यूज में था, तेलंगाना में। कोरल इन इंडिया, कोरल्स कहाँ कहाँ है इंडिया में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, नेत्रारी है एक आइसलैंड जो कर्नाटक में, वहाँ। अच्छा, मलवान इन महाराष्ट्र। देखो, अगर आ गया ऑप्शन देकर इस तरह से कि कहाँ कहाँ कोरल पाए जाते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन दे दे तो ये एलिमिनेशन आप इजीली कर सकते हो। अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अब उसका अभी ये 2018 का है, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 5 जून को क्या था, 5 जून को इन्वायरमेंट डे, और 22 अप्रैल को क्या था, अर्थ डे, जिसका थीम था एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये थीम जरूर याद रखना, आप लोग थीम पूछ रहा है BPSC, तो ये ज़रूरी है। हाँ, कुछ इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को याद रखने ज़रूरी है, वो है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसने कहा, ये किनका किनका देन है, विलियम रिस एंड मैथिस। आप लोग थोड़ा सा नाम याद रखोगे तो याद हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि डीप इकोलॉजी, आर्नी नुइस, याद होना चाहिए। एक है बायोडाइवर्सिटी, ये कौन बोला था, वाल्टर जे रोसेन, और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेमंड एस डैशमैन, मतलब ये बोला था। और ग्रीन हाउस गैसेस, जोसेफ फोरियर, ये पूछ देता है कि इसका जनक कौन है, चाहे ये नाम कौन रखा, तो कौन पहली बार बोला, तो उसको यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ कि आप लोगों को इजी हो जाए, एक साथ मिल जाए। इन्वायरमेंटल नीस, जोसेफ ग्रीनल। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व्स, एडवर्ड सूज, राइट, तो ये याद रखना आप लोग। आगे है कुछ कन्वेंशंस जो कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किस कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये है, POP याद रख सकते हो। UNEP ने स्टार्ट किया था इसको, पहली बार बुलाया था इसके लिए 1995 में। 2001 में नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ, और केम इनटू फोर्स कब हुआ, 2004 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन। दूसरा है वेसल कन्वेंशन, ये क्या है, हजार्डस वास्ट और उसका डिस्पोजल करने के लिए ये कन्वेंशन। ये सब इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। डेट तो याद नहीं रखो, लेकिन किससे रिलेटेड जरूर याद रखना। जैसे स्टॉकहोम किससे था, POP से, बेसल किससे था, हजार्डस वास्ट से। कब स्टार्ट हुआ, यहाँ देख सकते हो आप लोग, 89 में, केम इनटू फोर्स 1992 में। रोटेडम कन्वेंशन किससे है, हजार्डस केमिकल से और प्लास्टिक से, ठीक, पेस्टिसाइड से, सॉरी, रोटेडम, ठीक है। ये 88 में आया, 2004 में केम इनटू फोर्स हुआ, मतलब 88 में लाया गया, 4 में लागू किया गया। ये क्या है, CITES, ये क्या है, सीड्स, द यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर वाइल्ड लाइफ, क्या, फ्लोरा एंड फौना, है ना। अब इस ये डील करता है एनिमल और प्लांट्स को जो इलिसिटली, मतलब इलीगली जो ट्रेड करते हैं वाइल्ड लाइफ के, प्लांट हुआ चाहे जानवर हुए कोई भी, तो उसको देखता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये कब, 1973 में। कब केम इनटू फोर्स हुआ, 1975 में, राइट। अगला है रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन ये है, कब, 71 में, ईरान में, केम इनटू फोर्स 75 में। वेटलैंड को देखता है, वेटलैंड होता है ना, हाँ वो है, उससे रिलेटेड है ये। मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ये क्या करता है कि लिस्टिंग करता है, रजिस्टर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है, किसका, रामसर के अंदर में जो होता है वो, उसको इकोलॉजिकल क्या चेंज आया क्या नहीं आया, जो अभी रामसर का बात कर रहे थे हम लोग। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, कब, 85 में, केम इनटू फोर्स कब, 88 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
किससे रिलेटेड है? ये यूनेप द्वारा 92 में आया, ओजोन से रिलेटेड है, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लो जो कार्बन था उससे रिलेटेड ये था। लंदन कन्वेंशन किससे है? मरीन पोल्यूशन से, क्या लोग डंप करते हैं वहाँ वेस्ट वगैरह फेंकते हैं, उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन बना था इंटरनेशनली। कब? 72 में। कब आया? लागू हुआ 75 में। बोन एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से, 92 में आया। ऑयल स्पील जो करते हैं लोग, है ना, उससे रिलेटेड है। ये है बोन कन्वेंशन। एक और है जो माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड है, 79 में आया, 83 में केम इन टू फोर्स। क्योटो प्रोटोकॉल जानते हो आप लोग, 97 में, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एग्जाम में पूछ देता है, आप लोगों के लिए बना दिया हूँ कि फ़ायदा करेगा आप लोगों को। देखो इसमें क्या है कि UNCED अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें तीन चीज़ है। ये है क्लाइमेट से रिलेटेड, देखिएगा आप लोग, UNFCCC। ओके, सो UNFCCC कब कब एस्टेब्लिश हुआ? 1992, केम इन टू फोर्स 94 में। रियो द जेनारियो भी इसको वहीं पे हुआ था 92 में, तो 94 में केम इन टू फोर्स हुआ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, आप लोग देख लेना इसको। डेट है, हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। ओके, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म अगर बोलोगे तो उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अगला है IPCC। IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 88 में हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट। किसने किया? UNEP और WMO ने। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड कौन कौन सी संस्था है इंटरनेशनल लेवल, उसको डील कर रहा हूँ। इस तरह सीक्वेंस में याद करोगे तो याद हो जाएगा। कोपेनहेगन एकॉर्ड, ये किस रिलेटेड है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है किसको? डेवलप कंट्री देता है, डेवलपिंग कंट्री को। क्यों? पॉल्यूशन कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए। तो कोपेनहेगन एकॉर्ड किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से। NAPCC 2008 आप लोगों को याद होगा, जो भारत में 2008 वाला जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें 8 टारगेट है, जैसे कि आगे बताऊंगा। अगला इसी से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, लीमा 2014 में हुआ था, पेरिस में हुआ था 2015 में, COP 21 था ये, है ना। आज 16 में क्या हुआ? COP 22। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जब ये लोग एक साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके लिए, जो हम लोग का टारगेट इंडिया का देख रहे थे हम लोग, 33 से 35%, इसी में वो सब डिसाइड किया जाता है कि आपको टारगेट कितना है, ग्रीन हाउस कम करें, फोसिल्स कम करें, ये सब टारगेट उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि 2016 में कहाँ हुआ था? माराकेश, मोरक्को में। COP 23 कहाँ पे होगा? बोन, जर्मनी, 2017 में हो चुका है। 18 में होने वाला है कहाँ पे? कोटा वाइस। कहाँ पे? ये पोलैंड में होगा, 3 से 14 दिसंबर। और क्योटो प्रोटोकॉल जानते ही हो आप लोग, 97 में। तो ये था क्लाइमेट से रिलेटेड, राइट। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। यहाँ पे तो CBD का कहाँ पे है हेडक्वार्टर? मॉन्ट्रियल। किसके अंदर में आता है? यूनेप, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला। अच्छा, ये है काटेगाना। काटेगाना कब? 2000। किससे रिलेटेड है? बायोसेफ्टी। आगे बढ़ते हैं नागोया। नागोया कब? 2010। किससे रिलेटेड है? जेनेटिक रिसोर्स। IEC टारगेट क्या है? 2010। इसमें टारगेट दिया गया था बायोडाइवर्सिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए 21, ठीक है। तो उस मतलब कुछ टारगेट दिया गया था IEC में। तो ये कब? 2010। प्रोटेक्ट क्या करेगा? बायोडाइवर्सिटी। देख लो आप लोग कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इतना चीज़ है। क्या क्या है? कैन याद करके रख सकते हो। कैन सी फॉर कार्टेगेना, ए फॉर IEC, एन फॉर नागोया। सिंपल है। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है? Rio+20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, 21 Rio+20, MDG मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो था 15 में, तब आया SDG जो 17 गोल है, 169 टारगेट है। ये टारगेट कब तक होगा? 15 से 30 तक। यूनेप का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 72 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, किनिया है। इन्वायरमेंट वॉच करता है ये और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जारी करता है। तो ये था ओवरऑल आप लोगों का एक ट्रेडिशनल भी चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग कुछ पुरानी डेटा का, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग डालते हैं। थैंक यू सो मच।